खबर बेमेतरा से है, जहां पर स्कूली विद्यार्थी बड़ी संख्या में प्रिंसिपल की शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। दरअसल यह पूरा मामला बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल झाल का है, जहां के सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई को छोड़कर जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर से मिलकर प्रिंसिपल की शिकायत दर्ज कराई। छात्रों का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा स्कूली बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के प्रति उनका व्यवहार ठीक नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे इस विद्यालय में न तो शिक्षा व्यवस्था ठीक से है, ना ही अनुशासन ठीक से है, और जो जो कार्य होना चाहिए, मतलब जो कराना चाहिए स्कूल में, वो नहीं कराते हैं। और मंच में भड़काऊ भाषा बोलते हैं कि प्राचार्य महोदय जी हमारा है, हमारे जो है गेंदराम चतुर्वेदी जी हैं, वो एकदम शिक्षा को लेकर सीरियस नहीं है। हम लोगों का जो एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, और एग्ज़ाम आने वाला है तो हम सर, मतलब सर से क्लियर करेंगे। हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी सर बोलते हैं, प्रिंसिपल सर जो हैं, कि आप लोगों की, मतलब प्रेशर डालते हैं कि आप लोग कंप्लीट किए हो कि नहीं, और क्लास में जाकर ये बोलते हैं कि आप लोग चिंता मत करो कि मैं आप लोगों को 99% दूंगा रिजल्ट। ऐसे कैसे दे देंगे सर, आप ही बताइए। जब तक कोई भी बच्चा अच्छे से बनाएगा नहीं, जब तक लिखेगा नहीं, तो कैसे दे सकते हैं। उनका कहना है कि एक तो प्रिंसिपल का स्टाफ पर नियंत्रण नहीं है और पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं और बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। ये आवेदन लिखित में दिया है, कुछ अभिभावक भी आए थे, बच्चे भी आए थे, तो मैंने उनको समझाया है कि जो आप लोग आवेदन दे रहे हैं, कह रहे हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे।